देखो हमेशा का सहजी में बहुत अच्छा काम काज किए और काफी अच्छा नाम कमाए और आगे भी गए, वो तो कारोबारी बात है ना। मगर मैं चीज देखो उसके अलावा जैसे कहीं रुके नहीं थे, चलते ही गए ऐसा कहा है। अब साइजिंग तो मेरा कारोबार रहा, अब जिंदगी भर मैं अगर कारोबार में बॉस बन के रहूं तो मेरे भतीजे लोग क्या करिए, वो जिंदगी भर मेरे नौकर बन गए। नहीं नहीं तो बहुत अच्छी सोच है फिर, तो फिर मेरे भतीजे लोग की अगर मुझे आगे करना है। नहीं मगर वो छोड़ के साइजिंग छोड़ के आगे जैसे मैं देखो एक वीडियो बनाना शुरू किए थे, वीडियो बनाना शुरू किया। अब मैं वीडियो का बना सुन एक बात मुझे बता, अब अपन मोबाइल लिए महंगा मोबाइल, कैमरा दुनिया भर का महंगा हो गया, अंदर सोशल मीडिया है। अब मैं फालतू का कैमरे का पैसा दिया उतना ढेर, क्या करूं कैमरे का यूज कैसे करूं, खाली मोरी सेल्फी खींच के नहीं। और आज अगर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इतना पावरफुल दिए कोई चीज, और उसके साथ सारी सहूलत मेरे फोन में मौजूद है, तो मैं काहे नहीं अकाउंट बना के अच्छी लोग अच्छी चीज लोग के बताऊं। अबे अब मैं तो ये पूछना चाह रहे हूँ कि एक चीज़ हम रुके कहाँ नहीं रहते, जैसे कहाँ अभी वीडियो बना ले बच्चों लोग को बना रहे, ठीक है वो उन लोग बना रहे, फिर उसको बंद कर दिया, ना वो खुद सपना डाले लगे, तो वजह है ना। जब तक के अपन मालेगांव लाइव बताओ रहे, अभी एक दो साल से मालेगांव लाइव बताओ, अब मालेगांव लाइव छोड़ दियो। अब जो मैं मेरे तजुर्बात है वो अगर मैं बोल के बताऊं और जो जज्बात है उनका हल बताऊं। एक बात तो बोले गए मैं कि पकावत भी बहुत भारी रहे, पकावत रहा हूँ उनमें भी नाम बहुत अच्छा, तो मेरा पर्सनल है ना। अब मुझे नहीं पकाना है, मुझे कुकिंग नहीं करना है, अच्छा अच्छा मेरी जिंदगी मुझे काम नहीं है, फिर उसके बाद कुछ दलाली लेगा भी मोरी लाइफ में, ये सब का काम नहीं है, ये सब तो मोरे पर्सनल चीज है। एक इंसान था वो एक बात था मुझे समझ के, अल्लाह ताला अपने के दुनिया में एक बार भेजे, तो जब तक अपने के जो अच्छा काम हलाल काम रहे वो करत रहे चाहिए। एक चीज में बंदिश में अपन बंद नहीं सकते, मैं नहीं बन सकता, अल्लाह ताला मुझे बंदिश वाला बना के भेजे नहीं है, मैं हमेशा से आजाद रहे हूँ। जब तक माँ बाप जिंदा रहे जब तक के मैं उनके गुलाम रहूँ, के गुलाम रहूँ, हर इंसान के माँ बाप के गुलाम रहे चाहिए। जब मेरे माँ बाप का इंतकाल होगा मैं आजाद होगा, अब मैं मेरी बीवी की सहूलत के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरा सारा जान की है अपनी मेरी बेगम है, बेगम मैं और है ना। तो अब जो मेरी बीवी और जो मेरी जिंदगी के हिसाब से जो खुशी का पल रहा था जो इत्मीनान का पल रहा था मैं वो हिसाब से काम कर रहा था। अब अल्लाह ताला मुझे दियन सलाहियत बोलेगी बताएगी। नहीं तुम्हारी तौरी राइटिंग भी तो बहुत खूबसूरत है यार, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मेरी पेंटिंग अच्छी है, मैं बहुत देखूं, मैं बहुत अल्लाह वाकई में राइटिंग है कि आफत है। फिर अब हैंड राइटिंग अच्छी है तो लिखेगी आदत छोड़ दे, अल्लाह ताला तुमको मतलब कितनी अच्छी हेड भी दी है, और कहीं जाते थे तो सलाह लोग समझे थे कि आ गए इधर तो घबरा जाते हैं लोग, ऐसा जिंदगी अल्लाह ताला देख जो है ना। हर इंसान के मैं एक बात बोलता हूँ, इंसान एक मजबूर रहा था, इंसान कोई के वहाँ नौकरी करा था वो की बंदिश में रहा था, टेलर रहता है कोई जो पैसा लेवा देता है बंधे हुए, थोड़ा कस्टमर जो तुके बोलिए ना वो करे पड़े, तो वो करे पड़े, और अल्लाह ताला मुझे ना बंधा हुआ नहीं रखे, मैं आजाद हूँ, मैं मेरी लाइफ के पूरे मालिक हूँ, मेरे ऊपर नहीं है कोई, नीचे नहीं है कोई, मेरे मातहत मेरी बीवी है, मैं मेरे माँ बाप के गुलाम रहूँ, है ना, मेरे लड़के बच्चे नहीं है तुके मालूम है, सही बात, भतीजे और भाई के बच्चे हैं, है ना, उन लोग की अपनी अपनी जिंदगी है, दोनों बड़े भाई की, मोरी नहीं है, मोरे लिए मोरी बीवी और मैं, उम्र 53 साल, अब मोरे मसाइल जाती वो से के नहीं पड़ी है, मैं दूसरा तो नहीं पड़ी है, नहीं अपने आप ही करनी पड़ी पड़ी है। अब मोरे माँ बाप जब तक रहे तो मोरे लिए सारी जान हो गए, मोरी बीवी और हम दोनों के लिए सारे चीज, हम दोनों हम दोनों का पहला ही रहा कि जब तक माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप जो उनकी जरूरियात है उसके हिसाब से अपने के जिंदा रहे, हम लोग वही हिसाब से जिंदा रहे। अब अल्लाह ताला जाहिर सी बात है उम्र होगी उन लोग का इंतकाल होगा, अब बचे मैं और मेरी बीवी, जन्नत नसीब करेगी बराबर। तो अब मैं कोई बंदिश में काम नहीं करी ना, अगर तो फला आदमी के पसंद है तो मैं काम करूंगा, फला आदमी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना मोरी जात से है, मोरी बीवी के जात से, तो हम मैं और मोरी बीवी की जो मसाइल है हम लोग के जो मोरी खुशियां है मैं वो हिसाब से जिंदा रहता हूँ। पीछे थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, मेरे डिप्रेशन में रहो तो अल्लाह ताला वो डिप्रेशन से बाहर कभी इंशाल्लाह होगी भी तो के बताइयो मैं कैसे मेरे हालात रहे। अल्लाह ताला कोई ना कोई के इंसान के जरिया बना हुआ था, देख सुन है बात बहुत जरूरी है, कोई भी चीज अल्लाह ताला जब अपने के परेशानी में डाला था ना तो उसके बदले फिर कुछ ना कुछ बहुत कीमती देवा दे। सही है बराबर,
कोई की भी शक्ल में आ सका था, इंसान की शक्ल में आ सका था, कोई दूसरी शक्ल में आ सका था, कोई भी शक्ल में आ सका था। अपने आप के मसरूफ रखे बहुत बड़ी बात है। और अब मसरूफियत का है, आज अपन घर बैठे फालतू बैठे गेम में, आज तक पूरी जिंदगी मेरे पास एंड्रॉइड फोन पूरा 11 साल हुआ, मुझे ये नहीं मालूम कि गेम का होता, मैं आज तक गेम की बटन ही नहीं पता, कोई फजूल चीज में मैं यूज नहीं करती। मगर जो चीज मैं देखा तू तेरे अंदर अभी देख रहे फिलहाल, जो समझ लो 30 साल पहले जो सीन देखो सेम टू सेम वैसे ही दिखा था, कोई यानी ऐसा तब्दीली है आई बात है। अपनी जिंदगी तो पूरे बचपन से अपन पैदा हुए हैं, साथ अंदाज पहले का अंदाज सब वही है, सब अल्लाह करम से कुछ नहीं तब्दीली। बचपन में भी अब मैं तुम लोग को बोल रहा इतना ही चिल्लाते रहो, इतना ही चिढ़त रहो, जहाँ तुम लोग लेट होते रहो गाड़ी में, सबसे ज्यादा लेट क्या होता रहा अपना मुन्ना मुन्ना बराबर अपना छोटा भाई, सबसे ज्यादा तो पहले मेरी बात वही सुनत रहा, लाडला ये सभी का लाडला रहा हूँ, आराम से उड़िए अयू पप्पू है और आ जाए तो फिर सुनत नहीं रहा, फिर अपनी आवाज बंद जब तक नहीं रहे तो खुद चिल्ला तुम लोग के, जब वो आ जाए तो कभी कहा लेट होगा बैठ चुके। तो ये सब जिंदगी राधी खुर्शी दे, अल्लाह ताला हर वक्त बदला था, अपन ना मौत की तरफ जा रहे हैं, अपनी उम्र बढ़ रही है, अपनी अपन आगे की तरफ जा रहे, माँ बाप की बहुत अच्छी खिदमत की थी, तो भाई सादत की बात रहती है, अल्लाह ताला सबके माँ बाप देवा दे, कोई बगैर माँ बाप का पैदा हुआ सभी के नसीब वही सब काम, लेकिन अल्लाह ताला बहुत कम लोग के दिमाग, हमेशा लोग के बोला था अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना उस तुम्हारी दुनिया है, अगर वो चीज तुमसे मिस हो गई उनकी खिदमत तो तब दोबारा पूरी दुनिया की दौलत भी हासिल कर लेवे ना, उसका मुकाबला नहीं कर पाई। ऐसे ही नबी रहन अपने जो उनकी माँ का इंतकाल हो गया, फिर अब उनके अल्लाह ताला से जब उनकी बातचीत हुई तो बोले अब तुम संभल के रहना, बोले क्यों, बोले तुम्हारी वालदा का इंतकाल हो गया। माँ बाप जब तक नबी को बोल रहे अब मोरी अम्मा जब तक जिंदा रही एक सेकंड में छोड़ के नहीं हटा था, उनके पास सोना वही के पास रहना, अपने हाथ से खिलाना पिलाना संडास पिज्जा भाई जी, मोरे अब्बा का भी हाल रहा सब देखे हो ना, घुटने का मसला और तो बीमारी, फिर हर जगह ले जाना उनके दोस्तन के साथ घुमाना फिराना, साबुदारा ले आना कोल्दाबाद ले आना, रोज की महफिल में बैठना, हर जगह साथ में ले जाना साथ में लाना, ये सब सादत की बात। और मैं अपनी जिंदगी से इतना मुतमईन हूँ कि मुझे डर नहीं लगता आखिरत का, क्या कि मैं मुझे लगा था कि मैं जो अल्लाह ताला जो चाह दे दुनिया में मैं नहीं 100% सही लेकिन इतना हद तक होकर पूरा किया कि मैं अपने आप से मुतमईन मुतमईन बहुत अच्छी बात है, अपने आप से इंसान हो गलतियां तो भाई हो, ये इंसान तो है, ऐसा तो नहीं है कि मैं फरिश्ता सिफत इंसान हो या फरिश्ता सिफत हो या आज भी हूँ, आज भी मेरे अंदर मैं फरिश्ता सिफत नहीं हूँ, इंसानी खसलत तो है ना मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करा दू यार जो अपने से जो ऐसी चीज ना हो जाए कि अपन जब पे पछतावर है, तो अल्लाह ताला के हमेशा शुक्र गुजार है, अल्लाह ताला अपने के बहुत मौके तो बहुत ज्यादा मतलब इस मामले में नवाजे हैं, सही बात है, अपनों का ख्याल रखना, अच्छे दोस्त है ना यार मेरे पास, आज पूरी दुनिया में इतने ताल्लुकात बने हैं, कुछ लोग बोलते बाहरों मुल्कों से भी, अरे जान से बाहरों यहाँ मालेगांव में लोग कितने सऊदी है दुबई है, अपना सोशल मीडिया ऐसी चीज है पूरी पूरी दुनिया में जा रहा है, वो अलग चीज है, लोग देखिए कहीं भी स्विट्जरलैंड में है, बोले पूरी दुनिया में रहता है, कुछ नहीं होता वो तो पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, जाती ताल्लुकात जो बना देना रिश्ते वो भी बहुत अहम रहते हैं जो यहाँ मुरे बने हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी नेमत अल्लाह ताला दिए मुझे, अच्छी है ना, बहुत आ जाता है, सभी लोग के नसीब नहीं होता, सबके नसीब नहीं होता, बात नसीब की रात है, और फिर माँ बाप की दुआ भी है थोड़ी रात पे, माँ बाप की दुआ है, बहन की दुआ है, लोगन की दुआ है, सबकी दुआ जो सब किए जो अच्छे अमल, और अल्लाह ताला जाना था ना दिल के हाल, अल्लाह ताला के कोई चीज बताए जरूरत है कहता है बताए कि पप्पू अच्छा है कि बुरा है, तो पल पल के एकदम उनके पास अल्लाह ताला के बाद तो पूरा सब चीज है ना, अपन का कर ले अल्लाह के माला में बात वही रहती तो नियत साफ तो सब अच्छा, हाँ मंजिल आसान है, मंजिल आसान है, सारा खेल नियतों का है, सब छोड़ के मरना है, इस्लाम भी वही पे डिपेंड है ना, फिर नियत ही ऊपर डिपेंड है, मुरी ज्यादा बदनीयती आ जाए जिंदगी में तो बात खत्म हो जाए, नियत सही है तो सब कुछ सही है, बचपन से देख ले मुरी नियत का काल है, तुम लोग तो पूरा पूरी जिंदगी गुजारे हो मेरे साथ, बराबर कि नहीं गुजारे हो, सही है गुजारे ना, फिर जब तक जान है अल्लाह ताला अच्छी से आफियत से रखे, चल निकलूं।